आप देख रहे हैं 5 मिनट में 10 अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर। एटीके न्यूज चैनल पर इनकम टैक्स की छापेमारी, मिला इतना पैसा, गिनते गिनते मशीनें हो गई खराब। इनकम टैक्स विभाग ने ओडिशा और झारखंड में एक शराब कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की है, तो वहीं झारखंड के एक प्रसिद्ध कारोबारी के यहां भी इनकम टैक्स विभाग ने एक्शन लिया। दोनों कंपनियों के कई ठिकानों पर आयकर की टीम पहुंची है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेड जारी है। ट्रेड में अब तक 200 करोड़ से ज्यादा नकदी मिल चुकी है। ये छापेमारी ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस नेता के ठिकानों पर हो रही है। सरकार गठित होते ही सबसे पहले 18 लाख परिवारों को आवास और किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देने पर फैसला। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार गठित होते ही सबसे पहले 18 लाख परिवारों को आवास और किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देने पर फैसला हो सकता है। भाजपा ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी 2025 नाम से संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें शामिल 20 प्रमुख घोषणाओं में ये दोनों शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में प्रबोध मिंज भाजपा के एकमात्र ईसाई विधायक, कांग्रेस के मतदाताओं में लगाई सेंध। मिंज ने कांग्रेस के ईसाई मतदाताओं पर सेंध लगाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने आसपास के विधानसभा क्षेत्र के ईसाई मतदाताओं का वोट भी भाजपा प्रत्याशियों को दिलाने में भूमिका निभाई है। सीतापुर से निर्वाचित पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो के क्षेत्र के ईसाई मतदाताओं को भी उन्होंने भाजपा को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया। आगामी लोकसभा चुनाव में भी भाजपा उनका भरपूर उपयोग कर सकती है। विधानसभा में नव निर्वाचित विधायक आज लेंगे शपथ। टी राजा सिंह ने खड़ा किया बवाल, बोले नहीं लेंगे कार्यक्रम में भाग। तेलंगाना के नव निर्वाचित विधायक शनिवार को होने वाले विधानसभा के पहले सत्र के दौरान शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर और AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। भाजपा विधायक राजा सिंह ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में अकबरुद्दीन ओवैसी की नियुक्ति पर विरोध जताया और कहा कि मैं और पार्टी के अन्य विधायक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। नाइजीरिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस ने दिखाई तेजस विमान खरीदने में रुचि। स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। CDS जनरल अनिल चौहान ने गुरुवार को कहा कि मानव युक्त और मानव रहित सैन्य संसाधनों में समन्वय बनाना नई पीढ़ी के विमानों में कम्युनिकेशन और भविष्य के युद्धों के लिहाज से बेहद अहम होगा। भारत इस दिशा में अहम कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित हुए एविएशन एक्सपो 2023 में CDS ने भविष्य की तकनीक को विकसित करने की जरूरत बताई, ताकि सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सके। अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले विराट का विजय हजारे में गर्जा बल्ला, शतक पर शतक जड़कर खींचा सभी का ध्यान। विराट टीम इंडिया 10 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका दौरे की शुरुआत करने जा रही है। दौरे की शुरुआत 3 मैचों की T20 सीरीज से होगी। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम T20 और वनडे के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह T20 और वनडे सीरीज में आराम पर हैं, लेकिन ये तीनों खिलाड़ी टेस्ट सीरीज टीम इंडिया में वापसी करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी में विराट का जलवा देखने को मिला। नीता अंबानी ने खोज निकाला मुंबई इंडियंस को छठी IPL ट्रॉफी जिताने वाला। नीलामी में 35 करोड़ अड्डा तक खरीदने को तैयार। IPL इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में इस बार कई बेहतरीन खिलाड़ियों पर बड़े बोली लगने वाली है। IPL 2024 की नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में होना है, जबकि 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस इस बार IPL की नीलामी में वर्ल्ड कप 2023 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी पर बड़ी बोली लगा सकती है। मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी इस बार चैंपियन बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगी और न्यूजीलैंड टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रचिन रविंद्रा पर मोटा पैसा खर्च कर अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी। इस खिलाड़ी के लिए आपस में भिद्दे धोनी, कोहली और रोहित तीनों ही 35 करोड़ तक नीलामी से खरीदने को तैयार। विदेश
नकदी मुद्रा भंडार में जोरदार आया उछाल, आरबीआई ने कहा। उसके पास इतने 100 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व, देश का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2021 में 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। लेकिन पिछले साल वैश्विक घटनाक्रम से पैदा हुए दबाव के बीच आरबीआई ने रुपये की विनिमय दर में गिरावट को रोकने के लिए इस पूंजी भंडार का उपयोग किया था, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई थी। नेता नगरी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सीएम कौन? गहलोत, भूपेश बघेल, कमलनाथ का क्या होगा? नेता नगरी दी लल्लन टॉप की वीकली पॉलिटिकल शो है। आज नेता नगरी में चर्चा करेंगे, अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो कौन होगा सूबे का नया मुख्यमंत्री? जेपी नड्डा से मिलने के बाद वसुंधरा राजे का क्या होगा? दक्षिण भारत में बीजेपी सफल पार्टी के तौर पर क्यों नहीं उभर पा रही है? भारत की सरकार पर क्यों भड़का यह मुस्लिम देश? जानिए हथियारों की डील का क्या है मामला। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भारत की मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है। खिसियाई अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भारत और फ्रांस पर आर्मीनिया को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया है। दरअसल अजरबैजान और आर्मीनिया दोनों दुश्मन देश हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हुए बाबा बालकनाथ, सोशल मीडिया पर इस पोस्ट से किया इशारा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही 3 दिसंबर को घोषित हो गए हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है। राजस्थान में सीएम पद के दावेदारों में कई नेताओं के नामों की चर्चा है, जिनमें एक नाम बाबा बालकनाथ का भी लिया जा रहा है। हालांकि सीएम पद के नाम को लेकर चल रही चर्चाओं को बाबा बालकनाथ ने खारिज कर दिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल को प्यार।